हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। किसी ने उसे फ्लिपर का तो किसी ने उसे राखी सावंत का, किसी ने कहा उसे जलन होती है तो किसी ने कहा कि वो ड्रामा करती है। लेकिन वो जो भी करती है, लोग एंटरटेन जरूर होते हैं। दरअसल हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है शहनाज गिल। वैसे अब शहनाज को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिग बॉस सीजन 13 के जरिए शहनाज ने जो अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उसी का नतीजा है कि उन्हें कलर्स ने मुझसे शादी करोगी जैसा बड़ा शो दिया है। शहनाज गिल ने बिग बॉस के घर में अपना हर वो रूप दिखाया जिसके चलते वो दर्शकों की फेवरेट बन गई। भले ही शो की ट्रॉफी शुक्ला जी के हाथ लगी हो, लेकिन टॉप 3 में जगह बनाकर शहनाज ने ये साबित कर दिखाया है कि अब उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। खबरों की माने तो बिग बॉस सीजन 13 में काम करने के लिए मैडम को लगभग 56 लाख रुपए मिले थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने स्वयंवर के लिए शहनाज गिल ने कितनी मोटी रकम चार्ज की है? नहीं ना? तो चलिए हम बताते हैं आपको। रिपोर्ट्स की माने तो शहनाज गिल इस शो को करने के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए चार्ज कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि शहनाज के पापा अपनी बेटी के इस स्वयंवर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेकर शहनाज की फीस भी बढ़ा सकते हैं। खबरों की माने तो मेकर शहनाज की फीस 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ भी कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि शहनाज गिल रियल लाइफ में शादी नहीं करने वाली है। ये एक फिक्शन शो है जिसमें कई सारे दूल्हे शहनाज को इम्प्रेस कर रहे हैं और लास्ट में वो किसी एक को फाइनल करेंगे। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि उनकी प्यारी शहनाज सच में शादी कर रही हैं, तो वो लोग परेशान ना हो। वैसे शहनाज के अलावा पारस छाबड़ा की भी इस शो के जरिए शादी होने वाली है। बता दें कि बिग बॉस के सेट को ही मुझसे शादी करोगे के सेट में बदल दिया गया है, जहां पर ये दोनों अपना परफेक्ट मैच ढूंढ रहे हैं। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या बिग बॉस की तरह इनका ये शो टीआरपी में जगह बना पाएगा या नहीं। वैसे आपके इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू भाई, काफी अच्छी जनरेट रही है। हाँ, आपकी इतना लोगों का प्यार मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं फाइनल 6 में? ऑफ कोर्स आई एम फीलिंग गुड और मुझे बहुत, मैं सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पे सिद्धार्थ और मुझे ही सिर्फ कुछ मिल रहा है, बाकी 20 के 20 ठनठन गोपाल हैं, उनको कोई प्राइस नहीं मिला और कुछ नहीं मिला। टॉप 2 में आसिम ने आके भी क्या ही उखाड़ लिया, कुछ नहीं मिला उसे, वीवो का फ़ोन तक नहीं मिला। मजाक कर रहा हूँ, पर ही डिजर्विंग लड़का है, बहुत अच्छा किया उसने, ऐसा कुछ नहीं है। आई लव हिम, जो भी था शो में था वो बकवास था, अभी बाहर सब प्यार प्यार है। बाकी हाँ, ये बोलूँगा कि सिद्धार्थ और मुझे ही कुछ ना कुछ मिला है। जर्नी अपनी इतनी अमेजिंग रही है कि लोगों ने प्यार दिया है और कलर्स वालों ने भी मुझे बताया कि मेरी कितनी पॉपुलैरिटी हो रही है बाहर, और एक नया शो भी दिया। और समझदारी तो इसी में ही थी कि आया भी अपनी मर्जी से था और गया भी अपनी मर्जी से ही, कुछ ना कुछ लेके जा रहा हूँ, खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जा रहा। तो आई एम लकी इनफ, आई हैव गॉट एवरीथिंग। आप सब लोग सोचते हैं कि मैं विनर होता, काश, तो इतना सोचना भी मेरे आप में अपने आप में एक विनिंग ही है। विनिंग में मुझे लगता है एक ट्रॉफी और पैसा मिलता, और अभी सिद्धार्थ जैसे विनर है उसको पता नहीं कि वो नेक्स्ट क्या कर रहा है, पर मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो सब सॉर्टेड है भाई। ओके सर, जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, लोगों का प्यार मिला, तो जी क्या मकसद था आपका जो 10 लाख का जो प्रीमियम लेके आपने? मकसद क्या था? बस यही था कि कुछ लेके ही जाओ, बेवकूफ़ों की तरह ये भी रद्द नहीं करना, रद्द कर दिया जितना करना था स्टार्टिंग से। हाँ, पर लोगों की फीलिंग्स को मैंने तो रद्द कर ही दिया, बेचारे 20 रद्द हो के ही गए, कुछ नहीं मिला, मुझे तो सब कुछ मिला। मेरा सपना बिग बॉस था पहले, सबसे पहले वो मिला, उससे मुझे मेरे काम कोई इफेक्ट ना हो, मुझे छूटते काम मिला, और जनता का प्यार मिला, फेम मिला, दोस्ती मिली, मायरा मिली जो कि इतनी अच्छी दोस्त है, और इतना सेंस मिला कि लोग क्या चीज़ें देख के क्या क्या बातें कर सकते हैं और आपको उनकी बातों से फ़र्क पड़ना चाहिए या नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। तो बहुत कुछ मिला बिग बॉस से, बिग बॉस से मुझे सब कुछ मिल गया, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड एंड वेरी सेटिस्फाइड। जैसा पारस आपने कहा कि आपकी जर्नी बहुत ही अनोखी रही, एक फ्रेंडशिप भी बनाई जी, जी। पर बाहर एक लव एंगल क्यों भी देखा जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना? हाँ यार, पता है मैं बड़ा सैड हो गया था ये बात सुन के कि मेरा घर का कोई टॉपिक आ नहीं रहा और बाहर के टॉपिक पर मेरी वाट लग रही है, और जहाँ पे उन्होंने क्या बोला मुझे पता ही नहीं है। तो
ये सब बातें देख सुनने के बाद शौक था मैं, और ये सब बातें सुनने के बाद अब ऐसा तो दिखता है कि अब फ्यूचर तो नहीं है, तो बेटर है कि हैप्पीली पॉजिटिवली आगे बढ़ो और मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम करिए, बस सिंपल है। ओके, इसके बाद आपकी और एक गाड़ी, आपकी न्यू शो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मुझसे? वही मैं कह रहा हूँ, मेरा नया शो आ रहा है, सब कुछ मेरे साथ पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप मीडिया वाले भी उतना ही रिस्पॉन्स दें, उतना ही प्यार दें, कि जैसे हमारा शो आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ूँ, और आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ मुझे एक लाइफ पार्टनर भी अच्छी मिल जाए, जो इतना बाहर हुआ आप सभी लोग जानते हैं, तो समझदार हैं ही, और जनता भी बहुत समझदार है कि अगर किसी के एब्सेंस में ऐसी बातें बोली जा रही हैं तो क्या कोई क्या करना चाह रहा है। तो बस अब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं बाहर आ गया हूँ, आप लगा डाबरा इज़ बैक, है ना, और बस अब प्यार दो और प्यार लो। ओके पारा सर, लास्ट सवाल, आकांक्षा ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा है, हाँ, तो आप आगे जाके उनसे बात करेंगे, मिलके क्या 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 कंटिन्यू रखेंगे यार? वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी उन्होंने कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से मैं सलमान सर के साथ भी मेरा थोड़ा सा झड़प हो गई थी, तो जिसकी वजह से मेरी सलमान सर से झड़प हो गई, तो वो तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, फिर तो मेरे लिए बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है वो चीज़, तो इसलिए अभी नेगेटिव बातें नहीं करते हम, सब पॉजिटिव है, और मुझे उनसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्लियर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर तो करना ही पड़ेगा, पर हाँ अच्छे से अच्छे से, क्योंकि प्यार खुले में करना चाहिए और झगड़े बंद कमरों में, तो अगर झगड़ूंगा तो थोड़ा सा बंद कमरे में झगड़ूंगा, बाहर नहीं आने दूंगा, और आप कुछ उल्टा सीधा मत छाप देना, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट रनर अप फर्स्टली, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू सो मच बिग बॉस एंड एम ऑल एंड कल्स फॉर बिलीविंग इन मी, एंड फर्स्ट रनर अप, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई ऑडियंस हैव बीन सपोर्टिंग मी फ्रॉम डे वन टू नाउ। ज़रूर जीतने का था, डिसअपॉइंट हुआ थोड़ा, बट गेम है, एक को ही जीतना था, बट जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को, मेरे को बोल रहे हैं लोग कि आप हमारे लिए जीते हो, आप हमारे लिए विनर हो, सो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इंडिया इंटरनेशनली मेरे को सपोर्ट आया है, सो ऐसा हुआ नहीं है कभी, सो आई एम जस्ट फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड फीलिंग वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, सो या दैट्स इट। ओके, बिग बॉस ने एक आपको एक नया एक फेम दिया, एक नई पहचान दिया, तो कितना थैंकफुल कहना चाहेंगे आप बिग बॉस को? मैं बिग बॉस के घर में रह के उनको रोज़ थैंक यू बोलता था मैं, सो इट्स जस्ट दैट आई एम, उन्होंने बिलीव किया मेरे में, अपॉर्चुनिटी दी मेरे को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं उन्होंने देखा ये कर सकते हैं और मैं खरा उतरा, सो आई एम जस्ट फीलिंग लकी एंड आई एम नेवर लेट, उनको मैंने नीचा नहीं होने दिया, मैंने वो उनकी अपॉर्चुनिटी पे खरा उतरा, सो आई एम जस्ट फीलिंग गुड। या रियल लाइफ में इतना एग्रेशन किसी ने मेरा टेस्ट नहीं किया, तो शायद होऊंगा अगर कोई टेस्ट करेगा, बट इतना कभी आया नहीं बाहर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि 20-25, 15-20 लोगों में आप रह रहे हो, सिचुएशन ऐसी होती है, यू नीड टू टेक योर स्टैंड कि ये सही है, सही है, एंड बहुत से मुद्दे होते हैं, आपको कोई आप पे उंगली उठाता है, क्या टास्क में हो, कुछ हो, तो बाहर इतना कभी एग्रेशन आया नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मुंबई में यू जस्ट कीप बिजी, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, कीप वर्किंग आउट, कीप यू नो, आप अपनी लाइफ बनाने में लगे रहते हो, बट वहाँ जाके पता चला एग्रेशन है, विच आई वांट टू वर्क ऑन इट, एंड वो काम मैं इतना सीखा है मैंने कि यू नो कि उसको मैं कंट्रोल कर पाऊँ, सो या। ओके, बिग बॉस में आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिला, लोगों का साथ भी मिला, उसी के साथ आपको प्यार भी मिला है, राइट, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, और आपकी, आपको लगता है कि आपकी फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इफ़ आई लव हर एंड दे हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड आई थिंक शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल गर्ल, एंड उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई उसको ना बोले, यू नो आई एम सेइंग, वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, एंड यू नो, सो आई थिंक फैमिली इज़ फेयर इनफ। मैंने उनको स्टेज पे ही हिमांशी को मिलाया, यू नो, फर्स्ट गर्ल अपने डैड को मैंने मिलाई, दैट इज़ हिमांशी, आई एम 26, आई एम नॉट लाइन, आई एम नोबडी, हैव गॉट टू, यू नो, ओके माई डैड, दिस इज़ माई, यू नो, गर्ल एंड एवरीथिंग, सो आई फील वेरी लकी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ टूडे दैट मैंने इतनी 10 साल जो मेहनत की, मैं खरा उतरा, कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ का फल मिला है बिकॉज ऑफ माई ऑडियंस, बिकॉज ऑफ यू गाइस, सो आई जस्ट फील लकी। इसके अलावा बहुत जल्दी आप महेश जी के साथ भी मूवी करने वाले हैं, उसके अलावा भी 3 मूवी भी आपको ऑफर हुए, क्या सच है? और मुझे, मैं अभी 2 घंटा पहले निकला हूँ बाहर, मेरे को अभी सिर्फ हवा खाई है मैंने और मैंने चाय पी है, तो जो मैं पीता रहता हूँ, उसके अलावा मुझे पता नहीं, कल सुबह पता चलेगा क्या है, सो लवली। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को जो इतना प्यार दे रहे हैं आप?
आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड फ्रॉम डे वन टू नाउ आपने सपोर्ट किया है मुझे एंड ओवरवेलम्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. थैंक यू.